हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ फंक्शन है, तो हम लोग पहुँच चुके हैं पार्टी हॉल में और ये है बैंकट हॉल। तो यहाँ पे अभी हम ही लोग पहुँचे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं पहुँचेंगे, घर वाले नहीं पहुँचेंगे, तो बाहर वालों का वेलकम कौन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और भी लोग आ रहे हैं घर के, तो अभी तो सब खाली पड़ा है और देख सकते हैं यहाँ पर पूरी फैमिली है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे होगी एनिवर्सरी की पार्टी। तो अभी जो है हमारे बेटा और बहू भी आ रहे हैं, सब तैयार हो चुके हैं। तो टाइम लगता है घर से निकलने में, क्योंकि थोड़े थोड़े लोग करके आते हैं। तो घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत पास में ही था। तो यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरा लुक है, देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ आप, मैं बताइएगा। और शुभ है, दीदी है यहाँ पर, तो सभी लोग हैं और सब लोग बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, मैं आप लोगों को मिलवाती जाऊंगी। ये मेरी सासू माँ हैं, जो अपने दामाद जी से मिलने आई थी। और यहाँ पे जो है देवर है मेरा, और ये है हमारा छोटा बाबू, जो बहुत शैतानियाँ करता है, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। और जैसे ही मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मेरा फ़ोन का कवर देखता है वाइट वाइट, तो उसको वही चाहिए रहता है। तो नज़र पड़ गई है उसकी मेरे फ़ोन पर। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो है दीदी लोग बैठी हैं और पूजा है बीच में मेरी देवरानी। और इसी तरह सब लोग धीरे 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 आ रहे हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका था काफ़ी। और अब बाबू हमारा पहुँच चुका है डीजे पे, भाई डांस की स्टार्टिंग करने, शुरुआत करने। तो यहाँ पे इसको बहुत मन कर रहा था कि डांस करूँ, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता अभी, तो इस वजह से। और यहाँ पे मुझे लग गई है भूख, तो मैं थोड़ा सा स्टार्टर शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ स्प्रिंग रोल। और ये आ चुके हैं हमारे बेटा और बहू, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। भगवान इनकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे, किसी की नज़र ना लगे। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हैं सब हम लोग। तो ये हमारी भतीजी आ चुकी है, जिसकी शादी अभी हुई थी, आप लोगों ने व्लॉग देखा ही था। तो यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे आ गए। ये छोटी भतीजी है, हाय कर रही है। और ये है हमारी बड़ी जेठानी और जीजा जी। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, सब लोग पीछे काफ़ी लोग आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो है ओवर वॉइस इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग को पता ही है पार्टी हॉल में गाने बहुत बजते हैं, तो गाने का तो बिल्कुल डाल ही नहीं सकते हम लोग। मन तो बहुत होता है कि एज़ इट इज़ डाल दें जैसा है, लेकिन फिर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि जो है फिर वीडियो का कोई मायने नहीं रह जाता है। और ये देख सकते हैं बच्चे कितने खुश हैं, कितने। और ये हमारा पोता है। तो बच्चों का क्या है फ्रेंड्स, बच्चे तो इन्जॉय करते ही हैं और बड़े भी इन्जॉय करते हैं कोई भी पार्टी होती है। तो मैं तो खूब इन्जॉय करती हूँ, और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि सबसे मिल लेते हैं, जो काफ़ी दिनों से जिससे नहीं भी मिल पाते हैं, तो इसी बहाने किसी ना किसी पार्टी में और मतलब किसी भी फंक्शन में सबसे मिलना हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है हमको। यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है, कैमरामैन बराबर फ़ोटो ले रहा है। और ये है बहुत प्यारा सा सुंदर सा केक, कैसा लग रहा है आप लोग को ज़रूर बताइएगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो। और इसके साथ एक छुटकू सा केक, जो कि हमारी बहू रानी के घर से आया था, उसके भाई लाया था। तो कितना प्यारा है ये भी केक, बहुत ही सुंदर है, दोनों केक बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये दोनों केक कट होंगे, तो यहाँ पे देखिए पूरी प्रिपरेशन हो गई है। और ये है मेरा छोटा भाई, फोटो भी बोलना है, ब्लॉग भी है, बोलो जो बोलना है। नहीं, आप हेलो बोलेंगे, बस हेलो बोलेंगे। मेरा भाई है छोटा। नमस्कार। नमस्कार। और ये हमारी बहू रानी फोटो शूट करा रही है, देख सकते हैं आप। और पूरी प्रिपरेशन हो गई है केक कटिंग की, तो यहाँ पे होगा केक कट। बने रहिए हमारे साथ। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगे, मेरी फैमिली आपको देखने को मिलेगी, मेरी प्यारी सी फैमिली। और आप लोग को जैसा कि पता है कि मैं पूरी फैमिली को लेकर ही वीडियो बनाती हूँ, ताकि जो है सबको पता चले कि फैमिली के साथ रहने में कितना अच्छा रहता है, कितना मतलब फ़ायदा भी रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये देखिए सब फैमिली इकट्ठी हो गई है, तो उधर जो है हमारी बहू रानी के जो है मम्मी पापा हैं, और इस साइड हैं हम लोग खड़े हैं, और केक कटिंग होने जा रहा है। तो देख सकते हैं सब मिल के प्यार से केक कट करवाएंगे। तो इन्जॉय करिए ब्लॉग को।
केक कट हो चुका है और जो है देख सकते हैं आप पूरा सबने एंजॉय किया। और ये हमारा पोता कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर। और ये है बहू रानी बड़ी हवानी जो मेरी ननद है उनकी बहू। तो यहाँ पे जो है बातें शाते चल रही। और ये है हमारी भाभी और इधर है ये मेरी प्यारी सी बहन रिंकी। और ये छोटी भाभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स की मतलब एक दिल से रिश्ते जुड़े होते हैं कि अगर सामने पड़ भी जाएं तो इतना दिल खुश हो जाता है देख के। तो यही हाल है। और ये छोटी वाली भाभी बहुत मस्ती करती है तो डांस कर रही है, ये वहाँ पे डीजे बज रहा है। तो और हमारी फैमिली में मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत करीब की जिनको देख के चेहरे पे अपने आप जो है स्माइल आ जाती है कि अरे वाह ये मिल गए, तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसी फीलिंग आती है। तो फैमिली में कई मेंबर ऐसे हैं कि जिनको देख के बहुत दिल खुश होता है। तो मतलब ये लगता है कि जैसे कोई अपना मिल गया हो अपने घर का। तो है तो सब अपने ही। और हमारी फैमिली में सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि सबको बराबर की इज्जत दी जाती है। मतलब जिसकी जगह जहाँ पर है उसको वहीं पे रखा जाता है। किसी के साथ कोई मतलब पार्शलिटी नहीं कि जो है ये मायके वाले हैं या ये ससुराल वाले हैं या ये बड़े हैं या छोटे। जिसको जहाँ पे जो जगह देनी है सबने वही सीखा हुआ है। चाहे वो मेरी सासू माँ हो, चाहे वो हम लोग हों, मेरी जेठानी हो, देवरानी हो, चाहे हमारी बहुएँ हों, चाहे हमारे मायके के पक्ष के हों, तो सब लोग अपने अपने स्थान पे सबको रखते हैं। और यहाँ पे चल रहा है डांस, तो स्टार्टिंग हो गई है डांस की। तो मैं डांस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी। और सबसे बड़ी बात है मुझे डांस नहीं आता है तो मुझे शर्म आती है कि मैं डांस कर नहीं पाती हूँ और फालतू में घुस जाऊँ। और मेरा जो है मन बहुत करता है डांस करने का पर मुझे डांस नहीं आता। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती ये लोग बुला भी रहे थे तो मैं व्लॉग बनाने के बहाने थोड़ा सा बच गई थी कि नहीं मैं व्लॉग बना रही हूँ, आप लोग डांस करो। लेकिन जो है कैसे बच पाते हैं क्योंकि सभी जो है खींचने लगते हैं अपनी अपनी ओर। तो यहाँ पे व्लॉग बन रहा है फिर भी मुझे जो है खींच लिया गया था और मैं भी डांस करने लगी थी। तो बहुत अच्छा लगता है और सब इंजॉय कर रहे हैं, सब चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो हमारे यहाँ सब इंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। कोई भी फंक्शन हो चाहे दुख हो मुसीबत हो तब भी सब इकट्ठे हो जाते हैं और खुशी में भी सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसी को कहते हैं परिवार। तो ये है मेरा परिवार। तो देख सकते हैं आप इंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे और यहाँ मुझे भी बुलाया जा रहा है आ जाओ आ जाओ। तो मैं भी जाऊँगी उल्टा सीधा डांस जैसा भी करूँगी। फ्रेंड्स मजाक मत उड़ाइएगा। और आगे जो है मेरा और मेरे पतिदेव का डांस है तो वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मेरे पति जो है मुझे अक्सर जो है पार्टी में खींच के ले जाते हैं और डांस करवाते हैं। तो चाहे जैसा भी डांस करें पर सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे जो है ये सब बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे देखिए आप लोग।
तो यहाँ पे कर रहे हैं हमारे बेटा और बहू डांस, और सब लोग उसको नचा रहे हैं। और यहाँ पे है उसकी मम्मी, यानी कि हमारी बहू रानी की मम्मी। तो यहाँ पे जो है सब एकदम फ्री माइंड है, ओपन माइंड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो है ये समधिन है या कुछ ऐसा नहीं। सब आराम से आपस में मिलके एंजॉय करते हैं, और इसी को कहते हैं लाइफ, ज़िंदगी। तो बस ज़िंदगी है, मज़े से जियो, खुल के जियो। तो यहाँ पे खूब इंजॉयमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमारी जिठानी और यानी कि दोनों समधिन मिलके डांस कर रही हैं। तो ये है मतलब हमारी जो बहू रानी की बहन है छोटी, तो ये जो है डांस करवा रही है। तो ये देख सकते हैं शुभ जो है आइसक्रीम खा रहा था छुप के, क्योंकि इसको मना किया गया है। तो देखिए कैसे भाग रहा है मुझे देख के। छुपके आइसक्रीम खा रहा ना, ये चल रहा है। हाँ देख रहे बेटा, देख रहे, भाग गया, अभी बता रहे इसको। पतिदेव की एक खास आदत यह है कि वो रोते हुए को हंसा दें। तो यहाँ पे जो है हमारी एक ननद है जो बहुत शर्माती हैं, पर इनको खींच कर ले जा रहे हैं डांस कराने के लिए। तो यहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड जो है सबको नचा देते हैं और सबको खुश कर देते हैं और खुद भी बहुत खुश रहते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, एक खास आदत है मेरे हस्बैंड की। तो यहाँ पे दीदी शर्मा के भाग रही हैं, पर दीदी को जो है जाने नहीं दिया, और कितना सुंदर डांस किया दीदी के साथ, तो देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और दीदी भी काफ़ी खुश हैं, चाहे जितना शर्माएं लेकिन खुश बहुत हैं। तो भैया
पार्टी वार्टी हो गई है, अभी पार्टी चल रही है, ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन मजबूरी हम लोग को जल्दी जाना पड़ रहा है। खुशबू थोड़ा सा उदास है, सैड सैड फील कर रही है, पर कोई नहीं, आप लोग क्या बताएं, हम कुछ बता नहीं सकते, कुछ बता दीजिए, कुछ नहीं बता सकते। सुख का एग्ज़ाम है ना इस चक्कर में, तो यहाँ पर देखिए सब लोग बाहर निकल आए हैं, तो ये पार्टी अगर कुछ कुछ स्पेशल हुआ तो प्लीज़ मुझे ब्लॉग बना के देना, ठीक है? ओके, तो फिलहाल के लिए अला ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।